हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। राज्य से बड़ी खबर, 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के जिलावार अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। मंत्रियों को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। साहिबगंज, गोड्डा, बोकारो के लिए मंत्री आलमगीर आलम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। खूंटी, सिमडेगा, गुमला के लिए मंत्री रामेश्वर उरांव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दुमका, देवघर, जामताड़ा के लिए मंत्री चंपई सोरेन अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पलामू, पाकुड़, पलामू, लातेहार के लिए मंत्री जोबा मांझी अध्यक्ष बनाई गई हैं। रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग के लिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। धनबाद, सरायकला, खरसावा के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाबासा के लिए मंत्री बादल पत्रलेख अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चतरा और पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर के लिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर अध्यक्ष बनाए गए हैं। कोडरमा, गिरिडीह के लिए मंत्री हाफिजुल हसन अध्यक्ष नियुक्त किए और रांची के लिए मंत्री जगन्नाथ महतो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो जिला 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है और अब इन जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं वो, तो ये बड़ी खबर इस तरह आपको बता रहे हैं कि जिला 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर लगातार मंथन चल रहा था कि कौन किसके हिस्से जाएगा, कौन किसके खाते में जाएगा और आखिर में देखिए एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है और जो जिला 20 सूत्री कार्यक्रम है उसको लेकर निर्णय लिया जा चुका है। तो 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के जिलावार अध्यक्ष की घोषणा हुई है। फिलहाल आप कीजिएगा कार्यक्रम की नहीं, कार्यान्वयन जो होगा। तो अब आगे जाहिर सी बात इसके बाद से जो जिला 20 सूत्री कार्यक्रम है वो भी अब तेजी से उस पर भी काम होगा। इसके अलावा बोर्ड निगम को लेकर भी लगातार बात की जाती है कि उसमें कब तक नियुक्तियां होंगी और कब तक उनके पदों को भरा जाएगा, किसके खाते में जाएगा, उसके बाद भी लगातार हो रही है। तो कमोबेश जो है फॉर्मूला तय हो चुका है और कोटा बढ़ चुका है, बस नियुक्तियां कब तक होती है। तो इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो दो जो जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के प्रभारी अध्यक्षों की घोषणा हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।